हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं, जैसे IRCTC पर अकाउंट कैसे बनाएं और अपना टिकट ऑनलाइन बुकिंग खुद से कैसे करें। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट भी करने का सुविधा होना चाहिए, जैसे नेट बैंकिंग, गूगल पे या पेटीएम से। अगर ये सब अगर आपके पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने का, तो डायरेक्ट आप ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड भी नहीं है तब तो मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन टिकट बुक करना। अगर दूसरे का है, कोई हेल्प कर रहा है, तो आप करवा सकते हैं। तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता दूँ। इस IRCTC वेबसाइट पर आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है इस तरीका से और सर्च में लिखना है IRCTC। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आ गया है IRCTC नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीका से ये ओपन हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कि इस तरीका का कोरोना वायरस से लेकर के यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो हम इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी का सिम्बल दिख रहा है, यहाँ पर दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर ये आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड जो डाल देंगे यहाँ पे CATET2, तो ये लॉगिन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर मान लीजिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो हम इसे कैसे खोलेंगे। ट्रेन, अगर आप डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ ट्रेन चेक करना है कि कौन सा ट्रेन चालू हो रहा है, कौन सा ट्रेन नहीं चल रहा है, वो सब अगर आपको चेक करना है तो आप बिना यूजर आईडी पासवर्ड का इस पर चेक कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिर से हम इसे यहीं पर दबा लेते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे नीचे में आएंगे और यहाँ पे इसको काट देंगे, ये जो ऐड आ रहा था। और यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे कर लेते हैं और इसमें क्या क्या आपको लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ यूजर नेम में आपको डालना है कोई भी एक नाम अपना ले लीजिए, और उसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और बाकी सब छोटा अक्षर होना चाहिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। और टोटल उसमें 8 से ऊपर होना चाहिए नंबर, जो है 8 से ऊपर इसमें नंबर डालिए यूजर नेम में। और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड ले लीजिए अपना कोई भी एक, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बड़ा अक्षर ले लिया और कुछ छोटा अक्षर ले लिया और एक दो नंबर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ले लिया, यहाँ पे ओके मतलब साइन आ गया कि ये पासवर्ड सही है, ये पासवर्ड ओके है, यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया। तो इस तरीका से आपको पासवर्ड चॉइस कर लेना है, फिर दोबारा इसी में वही पासवर्ड डाल देना है। वहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे इसमें कुछ सवाल जवाब आपको लिखना है, जैसे कि आप अगर पासवर्ड भूल गए या कुछ यूजर आईडी भूल गए तो वो आप सवाल जवाब करेंगे तो आपका फिर से वो पासवर्ड और यूजर आईडी मिल जाएगा। मतलब आपका कुछ मिडिल नेम क्या है या आपका कोई स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ते थे जब पहले, उसका नाम लिख सकते हैं कुछ, इसमें देख सकते हैं इसमें सवाल पूछ रहा है और ये सवाल इसमें से कोई भी एक ले लेना है और वहाँ और ये नीचे वाले बॉक्स में उसका जवाब लिख देना है। जब कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही आपसे सवाल और जवाब पूछेगा, तो आपका पासवर्ड रिकवरी हो जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पर लैंग्वेज चॉइस कर लेना है। यहाँ पे आप इंग्लिश है बोलते हैं या हिंदी, तो आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी एक अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आपका नाम डालना है, फर्स्ट नाम, अगर मिडिल नाम है तो बीच में मिडिल नाम और नीचे में लास्ट नाम। यहाँ डालने के बाद आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो इस तरीका से अगर जेंट्स हैं तो आप मेल में सेलेक्ट करिए, लेडीज़ है तो फीमेल में सेलेक्ट करिए। और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, जैसे आपका तारीख कितना है, जैसे 15 तारीख और ये स्लैश डाल देना है। और उसके बाद महीना डालना है, जैसे मान लीजिए आपका चौथा महीना है तो ये चौथा महीना कर देना है और फिर स्लैश डालना है। और आपका साल कौन सा है, जैसे मान लीजिए कि 1950, तो इस तरीका से आप साल आपको डाल देना है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, जन्म तिथि यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या हैं, गवर्नमेंट से आप जुड़े हुए हैं या पब्लिक है या प्राइवेट है,
या पर्सनल है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो आपका मतलब कि किस किस वजह से आप ये यूजर आईडी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पब्लिक में कर देना है। आप पब्लिक में कर देंगे, आप पब्लिक हैं, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप शादीशुदा हैं या बिना शादीशुदा है। शादीशुदा है तो ये वाला बटन दबाना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो ये वाला बटन दबा देना है। उसके बाद यहाँ पे दे दिया है, ये अपने आप इंडिया ले लिया है। एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आपका ईमेल आईडी है, जिसका आपको पासवर्ड वगैरह, जिसका ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है, वही ईमेल आईडी डालिए, वरना ईमेल आईडी अगर खो जाएगा तो ये यूजर आईडी पासवर्ड भी खो देंगे। तो सबसे पहले अच्छा है एक ईमेल आईडी बना लीजिए, जिसका पासवर्ड अच्छे से लिख लीजिए, और उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जो हमेशा ये मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी फिर कर देना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीका से यहाँ पे भी इंडिया लिख देना है, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे इस बॉक्स में। अगर आपका कोई बिल्डिंग का नंबर है, आपका घर का कोई नंबर है, जो बिल्डिंग नंबर आता है वो नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपके मोहल्ले का नाम डालना है, जिस मोहल्ले में, जिस गाँव में रहते हैं वहाँ मोहल्ले का नाम डालना है, या फिर वार्ड नंबर वगैरह डाल देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ एरिया में मतलब अपने गांव का नाम लिखना है, और यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पे स्टेट लिखना है, आप कौन से स्टेट से हैं, आप मतलब कि बिहार से हैं या यूपी से हैं, यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे लिख देना है आपका सिटी, कौन सा सिटी आपका पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे स्टेट डालेंगे तो यहाँ पे सिटी शो कर देगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार। देखिए मैंने अपना गांव का यहाँ पे पिन कोड डाला सही से, तो यहाँ पे अब सिटी शो करने लगा कि हमारा सिटी जो है भोजपुर है, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है आपका, कौन से गांव में पोस्ट ऑफिस पड़ता है, उस गांव का यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे फिर एक नंबर मांग रहा है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, वही वाला जो नंबर हम डाले थे ऊपर में, और यहाँ पे यस कर देंगे आपका अगर एड्रेस सही है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपका ऑफिस एड्रेस कोई और है तो यहाँ पे नो कर देंगे, तो आपको एक और एड्रेस इसमें भरना होगा अपने ऑफिस एड्रेस को। तो ऑफिस एड्रेस को छोड़ देना है, यहाँ पे यस में बटन दबा देना है, तो आपको कोई ऑफिस एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये बटन दे रहा है आई एम नॉट रोबोट का, यहाँ पे साइन कर देना है, और साइन करने के बाद यहाँ भी एक साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो ये जो है आपका रजिस्टर आईडी जो है, तो आपका ये टेम्प्रोरी एक रजिस्टर पहले तैयार हो जाएगा। ये सब करने के बाद, ये सब कर देंगे, ऐसे हम बैक में आ गए। जब आप यहाँ पर फिर से लॉगिन करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे जो है वो बटन जो है, यहाँ पे जो है बटन आपको शो करेगा कि आपका पहले मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करवाएं, उसके बाद आएगा ईमेल आईडी वेरीफाई करवाएं। तो दोनों को वेरीफाई करवा लेंगे, उस पर एक दो बार पासवर्ड आएगा, ईमेल आईडी पे पासवर्ड आएगा, फिर आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा। दोनों वेरीफाई होने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रहना है आपको, जो आपका यूजर आईडी है वो 10 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि 10 अंक से ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रोसेस जो है 1.5 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। जितना भी आपको सब डालना है फटाफट डालना होगा, वरना फेल हो जाएगा बार बार। तो जितना जल्दी जल्दी सब कुछ डालना है, सब लिख करके अलग से एक रख लीजिए, और फटाफट फटाफट सब में डाल के और तुरंत अप्लाई करिए, तो ही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन पाएगा। अगर इसमें टाइम लगाएंगे तो ये बार बार फेल हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गया मैं, ट्रेन दिखाएगा यहाँ पे, उसके बाद आप जो भी आप बुकिंग वगैरह किए होंगे तो इसमें दिखाई देगा कि आपका बुकिंग हिस्ट्री देखना होगा, तो आप इस वाले में देख सकते हैं पीएनआर स्टेटस वगैरह सब कुछ इसमें आप चेक कर सकते हैं, अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं इसी में, फर्स्ट वाले में। उसके बाद फ्लाइट वगैरह का भी टिकट इसमें बुक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अकाउंट अगर आपको फिर से कुछ चेंजिंग वगैरह करना है तो इस अकाउंट में करेंगे। IRCTC ई वॉलेट है, इसमें आप पैसा भी रख सकते हैं ये वाले में। और यहाँ पे हम जाएंगे जहाँ से हमको जाना है, यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमको जाना है दिल्ली से कलकत्ता, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एल लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली आ गया है। यहाँ पे कोड आता है
DELHI, तो ये वाले हम दबा देंगे। अब मान लीजिए हमको जाना है पटना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PAT, और यहाँ पे देखेंगे जो नीचे में आ रहा है पटना, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अपने खुद से पटना लिखेंगे तो वो नहीं लेगा, ये वाला हम दबाएंगे तो ही पटना लेगा। इस तरीका से ये पटना डाल दिए, ये पटना के आगे जो कोड लग गया, ये दिल्ली के आगे भी कोड लग गया, कोड रहना चाहिए, बिना कोड का नहीं होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट चेंज करना है, कौन से डेट को आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको जाना है 15 मई को, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे हम 15, और यहाँ ऊपर में देख लेंगे कौन सा महीना लिखा हुआ है, 15 मई 2020, यहाँ पे देख रहे हैं ये 15 यहाँ पे डाल दिए। अगर आपको ये अगले महीने में अगर बुक करना है जून के महीने में, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीर का निशान है, इसको दबाएंगे तो ये जून हो जाएगा। और जून वाले में मान लीजिए हमको 15 तारीख को बुक करना है, तो यहाँ 15 दबा देंगे। और ये जो है क्लास, यहाँ पर चेंज करना है कि आपको कौन से क्लास से जाना है, एसी में जाना है, स्लीपर में जाना है। तो मान लीजिए आपको स्लीपर में जाना है, तो हम यहाँ पे स्लीपर में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ये फ्लेक्सिबल डेट वाले में बटन को सेलेक्ट कर देंगे, तो आगे पीछे के डेट में भी अगर कोई ट्रेन होगा तो आपको बता देगा। और यहाँ पे फाइंड ट्रेन जो लिखा हुआ है बटन, यहाँ पे दबा देना है, तो आपका ट्रेन बता देगा कि सीट खाली है या नहीं है। अगर आप PNR टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मतलब अपना टिकट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो है शुरू नहीं हुआ है ट्रेन, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कोरोना वायरस की वजह से अभी बंद है। तो ये शाम को 4 बजे चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे सब कुछ शो करने लगेगा आपको। इसी तरीका से आपको बना लेना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, और खुद से ही टिकट बुक करिए। और आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, या फिर गूगल पे या पेटीएम। अगर ये सब नहीं है तो आप डायरेक्ट ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इसमें वो भी सुविधा आता है।